जैसे मान लीजिए सारे PSUs बेच दिया जाएगा, रेलवे, BSNL, MTNL, LIC सब कुछ अगर बेच दिया जाएगा, तो हम आप प्रधानमंत्री का चुनाव किस काम के लिए करेंगे? जिन्होंने नारा दिया था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, क्या बढ़िया रिदम थे उस नारे में। आज हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ बेचने को बचा भी है या नहीं बचा है। अब तो हम उस दौर में हैं, सौगंध हमें किसी की नहीं, पता नहीं मिट्टी क्या महसूस कर रही होगी जिसकी सौगंध उन्होंने खाई थी। हम लोग तो तथ्य और तर्क से बात करते हैं ना, विश्वविद्यालय होने का मतलब ही यही है। वहां अलग है जहां नाली के गैस से चाय बनती है, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थे, अच्छे बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता है, महाभारत काल में ज्योतिष विज्ञान हुआ करता था, ये सब हमने नहीं पढ़ा। मैं तो उस राज्य से आता हूं जहां राम राज्य आया हुआ है, वहां नाम बदल करके राम राज्य लाया जा रहा है और बहुत शानदार आलिशान काम हो रहा है, वही राज्य जहां क्योटो है। तो ये सवाल सबका है, केवल दलित पिछड़े आदिवासी क्यों लड़े? दलित पिछड़े आदिवासी संविधान भी बचाए, दलित पिछड़े आदिवासी अपनी जगह जमीन भी बचाए, 13 पॉइंट रोस्टर के लिए भी वही बचाए, CNRC पे भी वही लड़े, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो तो भी वही लड़े, देश बचाना हो तो भी वही लड़े। और उनकी पूरी आबादी इस देश में कितना है? 85%, मिला कितना? 15%। ये 85% जो लोग बैठे हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, जो मुख से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए, जंगा से पैदा हुए? हम जब तक बचे हैं तब तक ये बातें हो रही हैं, पता नहीं कितना हम इसे बचा पाएंगे या आने वाले वक्त में ये कितनी बचेंगी, इसका हमें पता नहीं। राष्ट्र कमजोर होता जा रहा हो और राष्ट्रवाद उफान पर हो, ऐसी विडंबना के दौर में हम जी रहे हैं। ये ऐतिहासिक है। ऐसे दौर में जब शब्द चूक जा रहे हो, जो शब्द कुछ वक्त पहले तक गर्व महसूस करने वाले हुआ करते थे, आज उन शब्दों को गाली में तब्दील कर दिया गया हो, उस दौर में हम जी रहे हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमले अब एक तरफ से नहीं हो रहे, चौतरफा हमले हो रहे, और उन चौतरफा हमलों के इस युद्ध में हम कहां खड़े हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हम शिक्षक और छात्र होते हुए भी शिक्षा बचाने की लड़ाई में कहां खड़े हैं। फर्क पड़ता है कि हम एक नागरिक होकर के किसानों और मजदूरों की लड़ाई में कहां खड़े हैं। फर्क पड़ता है एक नागरिक के बतौर संविधान पर हो रहे तमाम तरह के हमलों में हम कहां खड़े हैं। ये अपने मूल्यांकन का वक्त है। उसी दौर में इस बात का भी फर्क पड़ता है कि चौतरफा हमलों के दौर में लेटरल एंट्री जैसे मसले पर हम कहां खड़े हैं। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा और बात शुरू करने के पहले 100 दिन से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सरहदों पर बैठे उन किसानों को सैल्यूट करूंगा जिन्होंने तमाम तरह की तानाशाही फासिस्ट सरकार को भी झुकने पर मजबूर किया है, अपने हौसले से, अपने लड़ने की उम्मीदों से। जब किसान अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ ले रहे हैं तो विद्यार्थी और छात्र कैंपस बचाने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाएंगे? हमले तो इस कैंपस पर भी हुए, हमले हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय पर भी हुए और बदस्तूर जारी है। नाम बदलने वाले लोग, शब्दों के अर्थ को बदल देने वाले लोग आज भी वैसे ही खड़े, लेकिन काम अपना वही कर रहे हैं जिन्होंने नारा दिया था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्या बढ़िया रिदम थे उस नारे में। वो बेच रहे हैं देश को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं
कि कुछ बेचने को बचा भी है या नहीं बचा है। अब तो हम उस दौर में हैं, सौगंध हमें किसी की नहीं, पता नहीं मिट्टी क्या महसूस कर रही होगी जिसकी सौगंध उन्होंने खाई थी। टुकड़े टुकड़े में बेचा गया, विश्वविद्यालय अलग बेचे गए, छात्र और शिक्षक सड़कों पर लड़े। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक लड़ा करते हैं, जेएनयू में छात्र लड़ा करते हैं, शिक्षक भी उनके साथ होते हैं जैसे हमारे यहाँ छात्र होते हैं। लेकिन हम नहीं बचा पाए उस बेचने की प्रक्रिया को, और नई शिक्षा नीति इस देश में इसी पेंडेमिक के दौर में लागू कर दी गई। श्रमिकों को दफन करने के सारे कानून जो तीन कानूनों की शक्ल में पारित किए गए वो इसी पेंडेमिक के दौर में लागू कर दिए गए, और किसानों को उनकी जमीन तक बेचने का कानून उसी पेंडेमिक के दौर में लागू कर दिया गया। श्रमिकों का कोई संगठन या ट्रेड यूनियन नहीं थे, वो नहीं लड़ पा रहे। छात्र और शिक्षकों के ट्रेड यूनियन जो लड़ सकते थे वो लड़ रहे, बाकी जगहों पे तो केवल इमारतें बची हैं और वे कागज बचे हैं जिस पे डिग्रियां बांटी जा रही हैं। वहां कोई विरोध नई शिक्षा नीति का नहीं है। लेकिन अगर लड़ने का इस विपरीत दौर में भी किसी ने हिम्मत अता की तो वो उन किसानों ने अता की, और इसीलिए कैंपस नहीं खोले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस दौर में कैंपस खोल दिए जाएं तो नई शिक्षा नीति के विरोध में एक बड़ा आंदोलन फिर से न खड़ा हो जाए और वह किसान आंदोलन के साथ खड़े होकर के एक मजबूत आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर ले। इसीलिए कैंपस बंद किए गए। दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे यहां ये लोग अपने लोगों से लड़ रहे थे। नफरत का व्यापार तभी फूलेगा फलेगा जब शिक्षा के अधिकार को छीन लिया जाएगा। जिनके खुद की डिग्रियां संदिग्ध हैं, जिन्होंने अकादमिक संस्थानों में अच्छी तालीम नहीं हासिल की, काश वो अच्छी तालीम पाते, हम तो दुआ करते हैं। तालीम का आलम तो ये है, जो लोग इस परिसर से भी निकल के गए वो लोग भी इस परिसर के खिलाफ खड़े थे। तालीम का मतलब डिग्रियां नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में यह सवाल पूछना होगा कि लेटरल एंट्री जैसे कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत क्या पड़े। अब दो तीन सवाल का जवाब उन्हीं लोगों की बातों से लेकर के मैं अपनी बात रखूंगा। पहला तर्क क्या है सरकार का? जितेंद्र सिंह ने एक बात यह है कि लेटरल एंट्री कोई नई चीज नहीं है। हम लोग तो तथ्य और तर्क से बात करते हैं ना। विश्वविद्यालय होने का मतलब ही यही है। वहां अलग है जहां नाली के गैस से चाय बनती है, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थे, अच्छे बादल आ जाएं तो रडार काम नहीं करता है, महाभारत काल में ज्योतिष विज्ञान हुआ करता था। ये सब हमने नहीं पढ़ा है। हमने नहीं पढ़ा है कि विज्ञान से बड़ा ज्योतिष विज्ञान होता है और उसके बाद हमें HRD मिनिस्टर बना दिया जाए, जिसका भी नाम बदल करके शिक्षा मंत्री कर दिया जाए। हमने क्या पढ़ा है? तर्क और तथ्य। तो तथ्य यह है कि लेटरल एंट्री कोई पहली बार नहीं हो रही, लेटरल एंट्री पहले से चली आ रही, लेकिन उसका चरित्र क्या हुआ करता था? मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो खुद लेटरल एंट्री के जरिए आए थे। वर्गीज कुरियन, उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री के जरिए किया था। RBI के तमाम गवर्नर जो बने उनको लेटरल एंट्री के जरिए बाहर से लाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि लेटरल एंट्री नहीं है, इसके लिए 70 साल में हम ऐसा नहीं कह रहे कि पहली बार हुआ, ये होता रहा। पहली बार क्या हुआ है ये समझने की जरूरत है। पहले क्या होता था कि जिस क्षेत्र में जरूरत होती थी विशेषज्ञता की, उस विशेषज्ञता के काबिल हुनरमंद लोगों को किसी प्रोजेक्ट बेस्ड या किसी खास मकसद से केंद्र सरकार चुनती थी और अपने खास जगह पर उनको अपॉइंट करके उनसे वो मकसद पूरा कराती थी। उनके लिए UPSC को बाईपास कभी नहीं किया गया। वे सारे लोग अपने खास प्रोजेक्ट को पूरा करते थे और उसके बाद फिर भी उनकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती थी। 2014 में जब आजाद भारत में एक नई सरकार बनी, जो शायद 800 साल पूरा बाद बना था सरकार ऐसा टाइप का कहा गया, तो एक नया देश बनाना चाह रहे थे वो। 2014 में जैसे ही सरकार बनी
उनके कैबिनेट में प्रपोजल आया कि हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस की बड़ी कमी है, ब्यूरोक्रेट्स की कमी है, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं उसको तलाश की जाए। 2017 में नीति आयोग, वही फिर नाम बदला हुआ है। मैं तो उस राज्य से आता हूं जहां राम राज्य आया हुआ है, वहां नाम बदल करके राम राज्य लाया जा रहा है और बहुत शानदार आलीशान काम हो रहा है। वही राज्य जहां क्योटो है, वही राज्य जहां दूसरी आजादी के लिए प्रतीक बन रहा है, वो सारा नामकरण का जो संस्कार है वो वहां से आया हुआ। तो उन्होंने नामकरण बदल दिया, नीति आयोग किया, और नीति आयोग ने प्रपोजल भेजा कि अब हमें एक व्यवस्थित तरीके से यूपीएससी को बाईपास करके लेटरल एंट्री के जरिए पर्याप्त तादाद में ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है। पहला तर्क सरकार का यह है कि ब्यूरोक्रेट्स की कमी है, इसलिए हम लेटरल एंट्री, और लेटरल एंट्री का हिंदी तर्जुमा अगर मैं करूं तो वही क्लिष्ट हिंदी है, पार्श्व भर्ती। पार्श्व का अर्थ होता है पिछवाड़े से भर्ती, पीछे से भर्ती, और पीछे को हिंदी की व्यंजना में कहें तो चोर दरवाजे से भर्ती। नाम ही उन्होंने बड़ी ईमानदारी से रखा, लेटरल एंट्री, यानी आगे का दरवाजा यूपीएससी हुआ करता था, पार्श्व भर्ती, पीछे के दरवाजे से लेटरल एंट्री, और लेटरल एंट्री के जरिए अपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि आईएएस की कमी है। मान लीजिए, अब तो खैर इस विश्वविद्यालय पर बात क्या ही करे, बड़े अनूठे दौर में ये विश्वविद्यालय भी गुजर रहे हैं। मान लीजिए हमारे अपने डिग्री कॉलेज में टीचर की कमी हो जाए, तो काम चलाऊ व्यवस्था पर टीचर काम चलाऊ ढंग से रखे जाते हैं, लेकिन टीचर बनने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, प्रोफेसर बनने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो तो पूरा करेंगे, भले ही उनको ठेके पर रखे आप, परमानेंट प्रोफेसर ना बनाए, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही रहेगी। तो यूपीएससी ब्रेक करके जो लोग आ रहे थे, हम लोग तो उस इलाके से आ रहे हैं जो इतना फ्यूडल कैरेक्टर के हुआ करते हैं, जहां लाल बत्ती और आगे पीछे चार गाड़ियां गनर लेके चलना उस फ्यूडल सोसाइटी में हनक माना जाता था। हमने भी यूपीएससी की तैयारी छोड़ करके जब प्रोफेसर बनना कबूल किया तो कितने उलाहने, कितने ताने सुने, ये हम ही जानते। न तो ऊपरी कमाई, केवल सैलरी के भरोसे जीवन बीतेगा, प्रोफेसर की कोई इज्जत नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं मिलता, लाल बत्ती वाली भक्चुक भक्चुक करके जो चलती है उसका हनक जो होती है वो सब कुछ नहीं। तो इसके लिए पूरे इलाके के लोग जो पहली पीढ़ी के हैं वो सब मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जाते थे कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे। और हमारे हिंदी में एक कविता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वहां यूपीएससी में यह कहा जाता है कि जहां सूरज की रोशनी पड़े वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। इतना पढ़ने के बाद कोई यूपीएससी के जरिए आईएएस सेलेक्ट होता था, और आईएएस बनने के बाद 15 साल तक अगर नौकरी करे तो जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंचता है। अभी दलित पिछड़े आदिवासी वाले मसले पर आ ही नहीं रहे हैं कि उनका प्रमोशन कैसे होता है, क्योंकि राम राज्य में जातिवाद पर बात करना जातिवाद को बढ़ावा देना होता है, जातिवाद छुपाना चाहिए। जैसे अभी आज के अखबार में आया है, जाति हटा दो, क्योंकि जाति दिखने में बड़ा बुरा लगता है, राम राज्य में कहां जाति होती है, तो जाति हटा दो, पता ही ना चले कितने सवर्ण हैं, कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं। और यूआर पोस्ट, जब रिजर्वेशन नहीं था तो सारी पोस्ट यूआर हुआ करती थी। 99.9999% पोस्ट पर यूआर होती थी और उन पर अपॉइंट लोग 15% वही लोग हुआ करते थे जिन्हें आप अपर कास्ट कह सकते हैं। फिर ये यूआर कहां आ रहा? फिर तो ये रिजर्व फॉर अपर कास्ट रहा। 97 के आसपास हायर एजुकेशन में SC/ST रिजर्वेशन आया, 2006 में OBC रिजर्वेशन आया, और 2020 का जो मैंने खुद RTI लगाई उसका रेशियो आपको बताता हूं। एक एवरेज अगर निकालें तो प्रोफेसर की पोस्ट पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 95% पोस्ट एवरेज की SC/ST/OBC की वैकेंट है। अगर रिजर्वेशन न होता, आज ओवरऑल पूरा अगर रेशियो देखें तो 10-15% रेशियो है जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं। रिजर्वेशन आने के बाद जब ये हाल है, तो रिजर्वेशन नहीं था तो क्या हाल था? सारे लोग कौन थे? वही लोग थे। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि यू आर मतलब ओपन कैटेगरी होता है, अनरिजर्व्ड है। यू आर मतलब
रिजर्व फॉर 15% अपर कास्ट। अब इसके लिए क्या किया गया कि इस पूरे लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को सिंगल कैडर माना गया, हर पोस्ट को एक कैडर बना दिया गया और उस कैडर में 13 पॉइंट रोस्टर इंप्लीमेंट है। 13 पॉइंट रोस्टर में शुरू के 3 पोस्ट यूआर, और यूआर का मतलब इसी सरकार ने फिर से समझाया, जिन 9 लोगों की नियुक्तियां पिछले साल हुई थी 9 के 9 अपर कास्ट थे। फिर कहां गया वो यूआर, फिर कहां गया वो ओपन कैटेगरी, ये सवाल हमारा है। तो वो 9 लोग जो थे वो सारे यूआर कैटेगरी में अपर कास्ट से आए। अभी तो उस पर जा ही नहीं रहे कि उनका बैकग्राउंड क्या था, कौन किसके भाई थे, कौन किसके रिश्तेदार थे, किन्होंने कहां शाखा लगाई थी, इस पर तो अभी जा ही नहीं रहे। सवाल हमारा ये है कि ये कैसे एंटी रिजर्वेशन है। 15 मई 2018 का DOPT का रेगुलेशन आया है कि 45 दिन से ज्यादा अगर किसी पोस्ट का नेचर है, 45 दिन से ज्यादा, तो आपको उस पूरे पोस्ट को कैडर मान करके रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना होगा। और लेटरल एंट्री के जरिए अपॉइंट कितने दिन के लिए हो रहे हैं, मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर। फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं, डीओपीटी के अंडर में लेटरल एंट्री, डीओपीटी का वो 15 मई 2018 का रेगुलेशन, दोनों अपने को वायलेट करते हैं और इसमें रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि उन्होंने सिंगल कैडर बना दिया। जबकि होना वो सिंगल कैडर का उदाहरण मैं दे दूं, सिंगल कैडर का मतलब ये है कि जिस देश में 596 वाइस चांसलर थे 2018 में, और 596 वाइस चांसलर को सिंगल पोस्ट माना जाता है, वाइस चांसलर का कोई कैडर नहीं होता, और उसमें 6 SC, 6 ST और 36 OBC थे, बाकी 550 के करीब वही लोग थे जो मुख से पैदा हुए थे, भुजाओं से पैदा हुए थे, वो लोग थे देश चलाने वाले, प्राकृतिक रूप से संपन्न, प्रतिभाशाली, मेरिटोरियस, सो कॉल्ड मेरिटोरियस। ये सवाल हमें आज पूछने की जरूरत इसलिए है कि सिंगल कैडर को कैसे वायलेट करके रिजर्वेशन को जीरो कर दिया गया, और इसको अब वो 300 से 400 पोस्ट अब अगले टेन्योर में आने वाली है। कुछ दिन में क्या होगा, UPSC बंद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सारे PSUs बेच दिया जाएगा, रेलवे, BSNL, MTNL, LIC सब कुछ अगर बेच दिया जाएगा, तो हम आप प्रधानमंत्री का चुनाव किस काम के लिए करेंगे, कि सबको सबका रेशियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी का मुनाफा कम तो नहीं हो रहा है, अंबानी जी का मुनाफा अडानी जी से ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए, तीसरे जी आ गए तो उनको रेगुलेट कर लिया जाए। प्रधानमंत्री का चयन केवल इस काम के लिए होगा क्योंकि फिर सरकार का तो कोई काम ही नहीं रहेगा। उसी तरह से जो रेशियो बढ़ता जा रहा है उसका सीधा सा असर यह होगा कि UPSC इररिलेवेंट हो गई। तो अगर UPSC इररिलेवेंट हो गई तो इसका सवाल क्या केवल दलित पिछड़े आदिवासियों का सवाल है, इसका सवाल उन लोगों का सवाल है जो आज भी इस देश में, जब 2014 में 13 में प्रचार कर रहे थे तो पहली बार किसी ने उनको कह दिया कि वो नीच जाति का काम करते, कुछ कुछ ऐसा स्लोगन था मुझे याद नहीं, फिर उन्होंने उसको कैसे भुनाया कि वो लोग मुझे नीच कहते हैं क्योंकि मैं ओबीसी जाति का हूं। 1999 में खुद को खुद ही ओबीसी करवा लिया था। हमारे यहां जैसे हम जिस राम राज्य वाले प्रदेश से आते हैं, 44 मुकदमे महाशय पर थे और जब खुद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया तो सारे मुकदमे अपने हटवा लिए, वही मुद्दई वही मुंसिफ, उनका किसका गुनाह निकलेगा, ये है ना शेर, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। वैसे ही यहां पर किया गया कि जाति किसको याद आई, प्रधान सेवक को, कब याद आई, चुनाव के वक्त जाति आपको याद आ गई, तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि आपके कैबिनेट में कितने कैबिनेट सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी ओबीसी कैटेगरी के हैं, 0। कितने कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी के आपने बनाए, वोट लेना हुआ तो ओबीसी याद आया, किसी को राष्ट्रपति बनाना हुआ तो उस पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि हमने दलित जाति के एक व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त किया है, किसने पूछा था उसकी जाति, तुमने खुद बनाई, और जातिवाद बढ़ाने का आरोप लगाते हो दलितों पिछड़ा आदिवासियों पर, शर्म आनी चाहिए। और जब अपने वो लोग जाति बता रहे हैं तो एक बार डेटा निकालें कि यूपीएससी के जरिए जितने अपॉइंट हुए लोग हैं वो लोग कौन लोग बैठे हुए। तो यह यूपीएससी में लेटरल एंट्री का सवाल सबसे अहमियत रखता है उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा तादाद में आज भी है। यह केवल दलित पिछड़े आदिवासियों का सवाल नहीं है,
दूसरी बात कि यह यूपीएससी जैसी संस्था को भी डिलेजिटिमेट करके ध्वस्त कर देने का है, तो यह सवाल सबका है, केवल दलित पिछड़े आदिवासी क्यों लड़े? दलित पिछड़े आदिवासी संविधान भी बचाए, दलित पिछड़े आदिवासी अपनी जगह जमीन भी बचाएं, 13 पॉइंट रोस्टर के लिए भी वही बचाएं, सीएनआरसी पे भी वही लड़े, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो तो भी वही लड़े, देश बचाना हो तो भी वही लड़े। और उनकी पूरी आबादी इस देश में कितना है? 85%, मिला कितना? 15%। ये 85% जो लोग बैठे हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, जो मुख से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए, जंगा से पैदा हुए? सारी मलाई आपने खाई और सारा संविधान बचाने का ठेका हमारा है, क्यों भाई? इसलिए लेटरल एंट्री के सवाल पर सबको बोलना होगा। यूपीएससी खत्म हो जाएगी तो फिर आप देश कैसे चलाएंगे? 5 साल में हवेली कैसे बनाएंगे? सारे कर जो ब्यूरोक्रेट हैं, अगर उनका पूरा डेटा निकाला जाए तो सैलरी उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर से कम होती है। हम 10 साल में एक चार चक्का नहीं खरीद पाते, उनके यहां 10 चार चक्का खड़ी होती है। कोई इनकम टैक्स का, कोई सीबीआई का, कोई आईडी का, उनका ईडी का उनके ऊपर छापा नहीं पड़ता है। वो लोग देश चलाते हैं, सब मिली भगत है। मैं ये बात कह करके आपके बीच में जा रहा हूं कि लेटरल एंट्री का सवाल इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को बचाने का सवाल है। इसलिए उन संस्थाओं का सबसे ज्यादा लाभ जिन लोगों ने लिया, सबसे पहले उनको सड़क पर उतरना चाहिए और यूपीएससी को बचाने के लिए लड़ाई लेनी चाहिए। उनके पीछे दलित पिछड़े आदिवासी तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ लेंगे, उनकी चिंता मत करिए। उन्होंने SC ST एट्रोसिटी एक्ट को भी वापस करवाया, पहली बार 56 इंच की सरकार झुकी, दोबारा 13 पॉइंट रोस्टर को वापस कराया, वही शेर पाला था तो शेर झुका, तीसरी बार किसान जो अपने ढंग से लड़ रहे वो भी जीतेंगे और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला होगा तो हम फिर लड़के जीतेंगे। लेकिन लेटरल एंट्री के सवाल पर एक पैन इंडिया मूवमेंट खड़ा करना इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आप वो जिम्मेदारी निभाइए, तब हम देखेंगे। सबसे ज्यादा लाभ जिसने लिया वो चुप है, क्योंकि उसको पता है कि जो क्लॉज जोड़ा गया है कि 15 साल का अनुभव होना चाहिए, राष्ट्रवादी चेतना होनी चाहिए, अप्लाई करिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे। राष्ट्रवादी कौन लोग हैं? लेटरल एंट्री के क्लॉज में जाके देखिए, क्लॉज जुड़ा हुआ है वो ये लोग जो विदेशों में भी रहते हैं, लेकिन उनके भीतर अगर राष्ट्रवादी चेतना है तो आइए स्वागत करते हैं, हम सीधे आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएंगे। कौन चेक करेगा राष्ट्रवादी चेतना? वे लोग जो राष्ट्रवादी हैं, वही लोग जिनके खुद की राष्ट्रवादिता संदिग्ध है, जिन्होंने अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया, जिनका कोई भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ जंगे आजादी में, जिन लोगों ने तिरंगे को कभी माना नहीं, हजारों साल के भगवा झंडे को सबसे प्राचीन झंडा माना, जिन्होंने संविधान को कभी माना नहीं, जो गोडसे के भक्त हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग खोजेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए राष्ट्रवादी चेतना युक्त भारतीय। ये हर भारतीय के ऊपर एक तमाचा है। इसलिए ये जो क्लासेस जुड़े हैं इनको पढ़िए। बाहर से एक NRI बुलाया जाएगा, लाखों के पैकेज में जो काम कर रहा था वो 3 साल के लिए आएगा, और उस सरकार को जो सौगंध लिया था मिट्टी की कुछ बेचने की नहीं, उनके फेवर में पॉलिसी बनाएगा। 3 साल बाद वो वापस अपने लाखों के पैकेज में चला जाएगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। एक IAS के ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसके रिटायर होने के बाद तक उसका दबाव होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये जो करोड़ों के पैकेज से आया, पॉलिसी बनाया, वापस चला गया, तो अगर उनके आका चले गए वो भी चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देश के संस्थानों को ध्वस्त करने का नहीं तो और क्या इंतजाम है? इसलिए ये बात कह करके मैं आपके बीच में अपनी बात खत्म करूंगा कि जिन लोगों ने संविधान के नाम पर सबसे ज्यादा इस देश में धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी ली, काहे वो लोग पीछे खड़े हैं जब उसी संविधान को नेस्तनाबूत किया जा रहा है? वो थोड़े से लोग ही हर मूवमेंट में क्यों नजर आते हैं? वही CNRC के खिलाफ लड़ते हैं, वही कैंपस बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, वही SC ST एट्रोसिटी पर लड़ते हैं, वही रोस्टर पर लड़ते हैं, वही हाथरस और उन्नाव के केस पर लड़ते हैं, वे लोग ही किसानों के साथ खड़े हैं। ये वही चेहरे देश बचाने के लिए हैं जिनको कभी अर्बन नक्सल, कभी टुकड़े टुकड़े, कभी क्या क्या कहा जा रहा है। हाँ, हम वो हैं, हम लेटरल एंट्री पर भी लड़ेंगे, संविधान के बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे, ताकि
हम ये कह सकें कि हमारे पुरखों ने देश बनाया, हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, 5 साल लगे 10 साल लगे, हम इन सारे मसलों पर बोलेंगे। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।